What up everyone, welcome back. This is eSports 360. My name is Manu Krat Karki. और आज के एपिसोड में फिर से आपके लिए बहुत प्यारी खबरें हैं. मेरे पास कुछ मोबाइल की खबरें हैं, मोबाइल गेमिंग, मोबाइल इंडस्ट्री और पीसी इंडस्ट्री. आज हमने दोनों इंडस्ट्री को छेड़ा है, आज कंसोल की कुछ खास खबर नहीं है हमारे पास. तो सबसे पहले, अभी इंडिया में दो रोस्टर्स का बहुत नाम है, S8 और Godlike. अब Godlike का जो बीच में रोस्टर, उसके अंदर एक बहुत बड़ा, मैं बोल सकता हूँ, शफल आया. अब ये शफल आप जानना चाहोगे, मैं लिख के कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा आपके पांव के नीचे से जमीन हिल जाएगी. मूविंग फॉरवर्ड, अब आते हैं हम पीसी के अंदर. अभी एक टॉपिक है हैकिंग का, इस पे लोगों के अलग अलग ओपिनियन है. बट फेस के जो को ओनर है निक मर्स, उन्होंने ऐसा क्या बोला, मतलब वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है, साथ साथ मेरे हिसाब से जरूरी भी है अगर हम इस ई-स्पोर्ट्स को एक प्रोफेशनल लाइफ बनाना चाहते हैं. अगली खबर पे आएंगे. अब आप सबको पता है कि भाई CS:GO बंद होने वाली है, CS2 आने वाली है. मार्च के महीने में CS:GO के जो प्लेयर्स हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट $100 million इन्वेस्ट करे गेम के अंदर फॉर द कॉस्मेटिक्स. अरे गोली का रंग ही तो बन रहा है, $100 million कौन खर्च करता है. और आखिरी में हम बात करेंगे नॉर्डविन गेमिंग का, जो वैलोरेंट चैलेंजर साउथ एशिया चल रहा है, उस पर कितने मैचेस हो चुके हैं, कौन सा मैचेस होगा, क्या अपडेट्स है, सब कुछ इस एपिसोड में आने वाला है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी एनर्जी चलिए शुरू करते हैं. जब से बीच में का बोल बाला चला है, तब से मतलब Godlike का एक ही रोस्टर हमेशा टिका रहा है और उसी रोस्टर ने बैक टू बैक ट्रॉफीज भी जीती है. अब उस ट्रॉफी जीतने के लिए जो एक प्राइम फेस है, दैट वाज नियो, जो मेन हमेशा प्लेइंग फोर के अंदर है. बट हाल ही में पता चला कि जब जोनाथन की होगी वापसी, देन नियो को बेंच कर दिया जाएगा. अब ये टफ डिसीजन लेने के लिए आई नो बहुत सारी टीम मीटिंग हुई होगी, मैनेजमेंट का भी इसमें पूरा हाथ हुआ होगा, बिकॉज एंड ऑफ द डे दे जस्ट वांट बेटरमेंट ऑफ द टीम. एंड इसका मतलब ये भी नहीं है कि नियो हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे अगर कभी कुछ हुआ, बिकॉज नियो के पास एक्सपीरियंस है जो बाकी यंग प्लेयर्स के पास नहीं है. देखो ये तो मानना पड़ेगा कि भाई ई-स्पोर्ट अब बहुत सारा रेवेन्यू कमा के दे रहा है, मतलब गवर्नमेंट को ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर. इंडिया तो फिर भी बहुत छोटा सा हिस्सा है, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर तो भाई अलग ही नंबर्स, अलग ही मतलब करेंसी बट रही है. मतलब भाई अगर CS:GO की बात करें तो ग्रैंड स्लैम, हर प्लेयर को $1 million मिलता है यहाँ पर, गोल्डन बार मिलती है, मतलब देर इज लाइफ इन इट. बट जब आप इस चीज़ को एथिक्स के अंदर डालते हो, क्या हैक करना एक फन है? बिकॉज इस पे, इस कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक पर फेस के जो ओनर स्लैश कंटेंट क्रिएटर है निक मर्स, उन्होंने बोला है कि अगर आप एक गेम के अंदर हैक करें देन आपको सीधा जेल हो जानी चाहिए. अब सवाल आप लोगों से है कि आपको क्या लगता है, बिकॉज देर आर सर्टेन पीपल जो कंपिटिटिव हैं और उनके लिए वो गेम पैशन से ज़्यादा है. अगर उनका एक्सपीरियंस खराब है, अगर उनकी मेहनत खराब हो रही है हैकर के वजह से, देन आई थिंक इट्स अ क्राइम. बट देर आर सर्टेन प्लेयर्स जो कैजुअली खेलते हैं एंड दे जस्ट वॉन्ट टू हैव द गुड टाइम, वो हैक कर रहे हैं, क्या वो भी सही कर रहे हैं? अब ये तो आप बात कर लीजिए एक बार और कमेंट सेक्शन में जरूर बता. इस बात को कोई नहीं जुटला सकता है कि जो काउंटर स्ट्राइक फ्रेंचाइज है, इससे ज्यादा कोई फेमस फ्रेंचाइज है 5v5 के अंदर. सो भाई काउंटर स्ट्राइक CS:GO, इसका बोलबाला है, इसके नंबर्स काफी ज्यादा है. रिसेंटली हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था फॉर द कॉन्करेंट प्लेयर्स का. अभी क्या पता चला है, ये जो मार्च का महीना खत्म हुआ है, इस मार्च के महीने में पूरी दुनिया में जो CS:GO के प्लेयर्स हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट $100 million इन्वेस्ट करे गेम के अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फैंसी गन्स, कॉस्मेटिक के चक्कर में $100 million. आप समझ सकते हैं ये स्पेंडिंग के पीछे एग्जैक्ट रीजन तो बताना डिफिकल्ट है, लेकिन इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि एक भी स्किन केसेस ये वेस्ट नहीं जाने वाले. वैल ने कंफर्म किया है, जो भी आपके पास स्किन है ग्लोबल ऑफेंसिव के अंदर, काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव के अंदर, वो सारी स्किन्स फॉरवर्ड होंगी काउंटर स्ट्राइक 2 में, जैसे ही गेम रिलीज होगी ग्लोबली. अब ये 100 million खर्च कर दिए हैं, अब आप बताओ आपने इस 100 million में आपका इनपुट कितना है? बस मैंने इस बार खर्चा नहीं किया, मैं करता हूँ डोटा में थोड़ा बोड़ा, बट CS:GO के अंदर तो मैंने बिल्कुल नहीं किया हाल ही में, बिकॉज मुझे भी यही लग रहा था कि भाई ये गेम अगर ये जो गन्स है कैरी नहीं हुई देन प्रॉब्लम हो जाएगी. बट लकीली अभी भी ग्लोबल ऑफेंसिव की कुछ ऐसी कॉन्ट्राबैंड गन्स है, अगर वो CS2 में आ गई, मां कसम जो प्राइसेस बढ़ेंगे कोई हद नहीं होगी. और आखिरी में हम बात करेंगे नॉर्डविन गेमिंग वैलोरेंट चैलेंजर साउथ एशिया के बारे में. भाई वीक 4
मतलब आखिरी ग्रुप स्टेज का वीक चल रहा है यहाँ पे। इसके बाद हमें पता चल जाएगा कि दोनों ग्रुप से वो जो तीन तीन टीमें हैं, जो आपने अगर फॉर्मेट नहीं देखा वो भी आपको नॉर्डमन गेमिंग के चैनल पे जरूर मिल जाएगा। अगर दोनों ग्रुप से जो तीन तीन टीमें जा रही हैं आगे, वो हमें इस हफ्ते के आखिरी में जरूर मिल जाएंगी। इस हफ्ते में भी क्रेजी मैचअप होने वाले हैं। रेकनिंग एस्टर से भिड़ने वाली है, वीएलटी एमएलटी से भिड़ने वाली है, लीथल मेडल आपस में भिड़ने वाले हैं। सो मेरा तो सीन कंफर्म है भाई, कास्टिंग करने वाला हूं मैं और मस्त वैलेंट का मजा लूंगा। अगर आपको भी देखना है ये सारा एक्शन लाइव, देन आपको जाना है लोको पे। कौन लोको पे हो रहा है? एक्सक्लूसिव हिंदी ब्रॉडकास्ट। सो जाओ सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी ये हमारा फेस्टिवल लाइव जाएगा आपको नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा। सो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मेरा नाम है मनु कराटकार की, आप देख रहे थे स्पोर्ट्स 360। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। टिल देन यू गाइस गो गेमिंग।